हाय, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ये शो करती है कि स्टैमरिंग के पेशेंट्स के दिमाग में एक साइकिल चलती रहती है जिसकी वजह से लगातार लगातार उनकी स्टैमरिंग सालों साल चलती है। और जितना मर्जी कोशिश कर लें स्टैमरिंग से लड़ने की, दबाने की, छुपाने की, हटाने की, कुछ भी कर लेने की, ये ठीक नहीं होती। ये कारण क्या है? तो आज के वीडियो में सबसे पहले पहले हाफ में मैं आपको कारण बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, और दूसरे हाफ में मैं आपको इंस्टेंट मैजिक टेक्निक बताऊंगा जो आप मेरे सामने आज यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे जिंदगी में एक नई शुरुआत कैसे होती है। तो इसलिए हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हाय, मैं डॉक्टर सुधीर अरोरा, एक माइंड गुरु एमबीबीएस डॉक्टर हूं। मैं स्टैमरिंग एक्सपर्ट हूं। मेरी एज आज 66 इयर्स है और मेरा एक्सपीरियंस 43 इयर्स का है। और मैं खास मदद करता हूं स्टैमरिंग के पेशेंट्स की विदाउट एनी मेडिसिन एंड विदाउट एनी स्पीच थेरेपी, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी जबान में और गले में और खून में है ही नहीं। ये एक डर है जो आपके मन में बैठ गया है। क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग, इसकी कोई दवाई नहीं होती और स्पीच थेरेपी असर नहीं करती। अगर थोड़ा बहुत असर कर भी ले तो क्या होता है, 6 कदम आगे तो 5 कदम पीछे, 10 कदम आगे तो 9 कदम पीछे, तो ऐसे चलता रहता है, सालों साल निकल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये साइकिल कौन सी है। ये साइकिल को बोलते हैं SOS, सैड, ओवर थिंकिंग, सीरियस। यानी कि आपके अंदर दिमाग में लगातार लगातार थॉट्स चलती रहती हैं। आप सोचते बहुत हैं, सब स्टैमरिंग के लोग सोचते बहुत हैं। उससे क्या होता है, फिर और नेगेटिव थॉट्स आती हैं। जब नेगेटिव थॉट्स और आती हैं तो फिर वो सैड हो जाते हैं, यानी कि दुखी हो जाते हैं और बहुत सीरियस रहते हैं। हंसने की कोशिश भी करते हैं दोस्तों में, फिर भी लोगों का, क्योंकि मजाक उड़ता है बहुत ज्यादा और लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते ज्यादा, तो उससे क्या होता है, दुखी रहते हैं। वो दुखी रहने से फिर और ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंकिंग होती है तो और नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो ये जो चक्र है, ये चक्रव्यूह, ये चलता रहता है। इसमें घुस तो जाते हैं, निकल नहीं पाते, इसीलिए स्टैमरिंग चलती रहती है। आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप एग्री करते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, डर आता है, स्टैमरिंग हो गई तो मैं नहीं बोल पाया, तो मेरा इंटरव्यू है परसों, और 2 दिन तक आपको बहुत 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 घबराहट होती है ना, मेरी प्रेजेंटेशन है तो उसमें थिंकिंग सिंकिंग, घबराहट, शिवरिंग, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मैं कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगी, ये सब होता है ना, क्योंकि ये SOS साइकिल है। तो इस SOS साइकिल को तोड़ना है, वरना ये तो इतने सालों से चल रही है। मेरे पास पता नहीं कितने 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 लोग आए, 15 साल के भी आए और 65 साल के भी आए। विल यू बिलीव इट, 65 साल की उम्र में भी लोग स्टैमरिंग ठीक करने के लिए आए और वो ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि जो SOS साइकिल थी, सैड, ओवर थिंकिंग, सीरियस, इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है। तो कैसे तोड़ना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं, आप इसे यूं समझिए कि हमारे यहाँ पर, हमारे एडवांस कोर्स में जो कि ऑनलाइन कोर्स है, इसमें 100 से ज्यादा टेक्निक्स हैं। हम सिखाते हैं 7 माइंड सीक्रेट्स। जो सुपर माइंड पावर है आपके अंदर, भगवान की दिव्य शक्ति है, उसको टैप करने के अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं 7 माइंड सीक्रेट्स। तो वो जो एडवांस कोर्स है वो सिर्फ ऑनलाइन होता है और पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। और हमारी क्लास होती है संडे 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 क्लास होती है। एक हिंदी बैच है और एक इंग्लिश बैच है। और हम आपको देते हैं गारंटेड लाइफ टाइम सपोर्ट हमारे ऑनलाइन ग्रुप कोचिंग में, ताकि आपको ये प्रॉब्लम कभी भी दोबारा ना आए। एक बार ठीक हो जाओ तो पूरा ठीक हो जाओ, फिर जिंदगी में आगे बढ़ गए। हम आपको प्रॉमिस करते हैं एक BMW लाइफ, जैसे BMW कार होती है तो वैसे BMW लाइफ होती है, ब्यूटीफुल, मैजिकल, वंडरफुल लाइफ। चलेगी ना? चलेगी कि भागेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको BMW लाइफ चाहिए
जिंदगी में खुशहाली चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तरक्की चाहिए, तो उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। स्पीच थेरेपी तो है नहीं, वो तो जीरो है। तो हम आपको लोअर केजी यानी कि स्टार्ट की टेक्निक बता रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगी साइकिल तोड़ने में। ये नहीं कि आप आज ठीक हो जाएंगे। बी वेरी क्लियर। शुरुआत करते हैं टेक्निक के साथ। क्या है वो टेक्निक? आपको अपने आप को 5 शब्द पूछने हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी में क्या है? मेरा अगला विचार क्या है। इंग्लिश में व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट। तो अभी आंख बंद करके तुरंत अपने आप को आप पूछेंगे मेरा अगला विचार क्या है। ये पूछते ही आप देखेंगे आपके सारे विचार रुक गए, जैसे कि रेड सिग्नल हो गया, और थोड़ी देर के बाद ग्रीन सिग्नल होगा, थॉट्स फिर आने शुरू हो जाएंगे। फिर दोबारा पूछिए व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट, मेरा अगला विचार क्या है। आप किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं, दोनों में नहीं पूछना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरा अगला विचार क्या है, दोबारा करेंगे फिर थॉट्स रुक जाएंगी, फिर थोड़ी देर बाद आ जाएंगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई एक जिंदगी है जिसमें मैं एक नो थॉट स्टेट पर जा सकता हूं इंस्टेंट मैजिक के साथ। ये इंस्टेंट मैजिक है ना। तो अभी करके देखते हैं। चलिए आंखें बंद कीजिए और अपने आप को पूछिए मेरा अगला विचार क्या है। करिए। हुआ ना होता है 100% रिस्पॉन्स सबके साथ होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा थॉट्स आ जाएंगी, लेकिन आपको पता तो चलता है ना कि साइकिल टूट सकती है। जब एक बारी टूटी है तो फिर दो बारी भी टूट सकती है, फिर 5 बारी भी हो सकता है, फिर 10 बारी भी हो सकता है, फिर 100 बारी भी हो सकता है, फिर ये साइकिल बहुत वीक हो जाएगी और आपकी लाइफ में से ये प्रैक्टिकली डिसअपियर हो जाएगी, प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगी। फिर आपके अंदर भी शांति का उद्घोष होगा, आपके अंदर यूजफुल थॉट्स आएंगे। अभी आपके अंदर सब यूजलेस नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सब गिरना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर कर लीजिए मेरा अगला विचार क्या है, आंख खोल के कर लीजिए। अब देखा फिर विचार गिर गए। तो दिन में 100 बारी कीजिए, चलते फिरते करते रहिए, किसको क्या पता आप क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत ही रामबाण तरीका है उस नेगेटिव थॉट्स में से निकलने का। बाकी मेरे वीडियोस और भी आ रहे हैं, उनको देखिए, उनमें और भी टेक्निक्स हैं, ऐसे ही इंस्टेंट मैजिक टेक्निक्स हैं। अपनी स्टैमरिंग को ऑन एन एवरेज 50-50 डेज में खत्म करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है हमारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, इसके लिए मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। मैं खुद पर्सनली आपसे बात करूंगा और आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे और दिल करता है अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देने के लिए। शेयर कीजिए, आपके जो स्टैमिंग के ग्रुप्स हैं YouTube पे, Facebook पे, सब पे शेयर कीजिए। ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। हमारा मिशन है स्टैमरिंग फ्री इंडिया, तो सब लोगों से शेयर कीजिए, राइट। और अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्या आपको ठीक लगा, क्या आपकी थॉट्स गिरी, और क्या आप और लर्न करना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस जो हम अपलोड करते रहते हैं ये आपको फटाफट सबसे जल्दी मिलते रहे। ओके, चलते हैं और अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड।